जारी रहेगी और इस जंग में, और इस जंग में हम भी आपके साथ शरीक हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक अमार सुहेल और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं फरीद गेट के ऊपर और बहुत सारा लोगों का मजमा है यहां पर। आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे सारे लोग हैं, मेल फीमेल देखिए, सारे चिल्ला चिल्ला के सबको बुला रहे हैं कि एहतजाज करें, एहतजाज करें। कुछ जो टीचर हमें बता रहे हैं ना, वो ये भी बता रहे हैं कि जो मेन चीज़ है ना, वो जितने भी प्राइवेट सरकारी स्कूल है ना, सरकारी, उनको हुकूमत प्राइवेट करना चाहती है और पेंशन भी ख़त्म करना चाहती है। मतलब जितने सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाते हैं वो फीस पे किया करेंगे, 15,000-10,000 जितनी भी होगी वो तमाम स्कूल प्राइवेट हो जाएंगे और पेंशन भी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए भी इन्होंने स्ट्राइक की हुई है। अभी मेरी बैक साइड पे आप देखें कि ख़वातीन हैं सारी जिन्होंने स्ट्राइक की हुई है अपने हक के लिए, अपने हकूक़ के लिए। मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा ख़वातीन आई हुई हैं अपने हकूक़ के लिए। यहाँ पे फरीद गेट इन्होंने बंद किया हुआ है, बावलपुर का मेन चौक इन्होंने बंद किया हुआ है, और इसके साथ साथ जो मेल टीचर्स हैं वो भी यहाँ पर जमा हुए पड़े हैं। बहुत ज़्यादा मेल टीचर्स की भी तादाद बहुत ज़्यादा है। एक मेल टीचर आ गए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थोड़ा सा बताएं हमें कि हमें पता नहीं है इस बारे में कि ये स्ट्राइक, ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, थोड़ा सा इस बारे में। ये गवर्नमेंट की ज़ालमाना पॉलिसियों के ख़िलाफ़ हम एहतजाज कर रहे हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि हुकूमत गवर्नमेंट स्कूलों की निजकारी करने जा रही है, जो कि इंतहाई ज़ालमाना कदम है जिससे गरीब की तालीम मुतासर होगी। हम इस काले कानून को बिल्कुल नहीं मानते। दूसरा, पेंशन रूल्स में तब्दीली करने जा रही है हुकूमत, इसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं और ये हमारी जंग जारी रहेगी जब तक हुकूमत अपने ये ज़ालमाना कानून वापस नहीं ले लेती। उस वक्त हम एहतजाज करते रहेंगे और इंशाल्लाह उस वक्त तक हम भी इन टीचर्स के साथ हैं, क्योंकि जो टीचर्स हैं मुल्क का कीमती असासा हुआ करते हैं, तो हम उनके साथ हैं और हम इनकी जो कवरेज है वो भरपूर तरीके से करते रहेंगे। इस साइड पे देखेंगे ये सारी फीमेल हैं, ये भी टीचर्स हैं, सब ने एहतजाज किया हुआ है अपने हक के लिए, एहतजाज किया हुआ है और ये हक के लिए लड़ते रहेंगे और एहतजाज करते रहेंगे जब तक कोई भी फैसला वापस नहीं लिया जाता। देखें सारी फीमेल ठहरी हुई है, ये जहाँ जहाँ तक आपको नजर आएगी रिकॉर्ड। थोड़ी सी एक बात करूंगी, उसके बाद
जी जितना भी स्ट्राइक प्रोटेस्ट था वो सारा मैंने आपको दिखा दिया और लोग भी अब जाना शुरू हो गए हैं ना। डेढ़ दो घंटे इन्होंने स्ट्राइक की थी, कोई ज़्यादा स्ट्राइक नहीं थी इतनी लंबी चौड़ी। तो आज के मेरे व्लॉग का वक्त इख्तिताम को पहुंचा है। मज़ीद मेरी वीडियो देखने के लिए लाइक किया, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए अल्लाह ने कबान।